Hello dear children, today I am going to tell you some points on the ant. आज हम आपको ant के बारे में कुछ points बताएंगे. Ant means क्या होता है? चींटी. आप लोग चींटी तो देखे ही होंगे घर में, तो आज हम लोग छोटा सा short essay ant के बारे में learn करेंगे और इसको आपको मेरे तरह ही बोलना है और फिर याद कर लेना है. द एंट, ए एन टी एंट, टी एच ई द ए एन टी एंट, द एंट. फर्स्ट पॉइंट, द एंट इज अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट. इसका मीनिंग क्या हुआ कि चींटी जो होती है बहुत ही छोटी सी एक इंसेक्ट होती है. The ant is a very small insect. Second point क्या है? It has six tiny legs. इसके छोटे छोटे six legs होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Read again. It has six tiny legs. Number 3 point. Some ants are red and some are black. कुछ चींटी रेड कलर की होती है, कुछ चींटी ब्लैक कलर की होती है. दे लिव इन ग्रुप्स. चींटी जो होती है वो हमेशा झुंड में रहती है. कभी भी आप जब भी चींटी को देखिएगा तो उसका एक झुंड रहता है. दे आर वेरी लेबोरियस एंड डिसिप्लिन्ड. चींटी लोग क्या होती हैं? बहुत ही मेहनती होती है और अनुशासनबद्ध होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करती है. देखिएगा जब भी कोई चींटी अपना खाना लेके जाती है तो उसका एक क्यू बना हुआ रहता है, लाइन से जाती है, किसी का लाइन टेढ़ा नहीं रहता है. नाउ रीड अगेन. द एंट, द एंट इज अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट. इट हैज सिक्स टाइनी लेग्स. सम एंट्स आर रेड एंड सम आर ब्लैक. दे लिव इन ग्रुप्स. They are very laborious and disciplined. Thank you.